जी अलहमदिल्ला, यहाँ से हमने वो उठानी थी टेस्ट लैब, जो हमने टेस्ट के लिए रिपोर्ट बनवाई थी वो रिपोर्ट उठा ली है। अभी चलते हैं और सामान लेना वो लेते हैं, फिर निकलेंगे घर, काम ही है। चलो चलें जी, अभी आया बाजी का पार्सल देखकर मैंने रसीद किया, अभी तक इनको पानी पिला के थे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है ना यार। तो यार ये ना तीसरा चौथा चक्कर है मेरा, मैं बाहर 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 काम। तो खैर, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका भाई भी एकदम शानदार ज़बरदस्त यम पम लश पर चल। चलिए शुरू करते हैं इसकी तरह हमारा आज का ब्लॉग। और अगर बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो, अभी सीन पता क्या है, सीन ये है कि लाइफ लाइन की ना तबीयत अभी तक नहीं ठीक हो रही, अचानक से वही सर दर्द चक्कर और बस। और फिर जो है ना, क्या बताऊँ आप, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, वट इज़ हैपनिंग। तो खैर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनको शिफा दे, जल्दी से ठीक हो जाए और तबीयत अच्छी हो जाए। तबीयत ख़राब और बस, और क्या बताऊँ, अभी काम भी हैं बहुत से, एक दो अड़चने बाधाएँ भी हैं, वो भी लग रहा जल्दी सॉल्व हो जाए, देखते हैं क्या होता है। खैर इंशाल्लाह अभी शाम को निकलेंगे घर, वैसे तो जाना था लेकिन शाम को निकलेंगे क्योंकि तबीयत अभी नासाज है, तो देखते हैं क्या हो। दादी कहाँ जा रही हो, चलें कहाँ जाना है, कहीं। आदी इधर आओ, किधर जाएं आदी, किधर जाना है, नहीं किधर, इधर आओ ना, किधर बताओ, किधर जाना है, बोलो नए कपड़े लेने, नए कपड़े लेने, पीना पी डॉल, हमारी डॉल इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब, ठीक हो, अच्छा किधर चले अभी हम, कपड़े लेने कैसे कपड़े चाहिए, बिना मुझे भी ले दोगी, कैसे कपड़े चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए, जूती भी मेरी, चलो ठीक है, चलो आपको भी चाहिए जूती, ठीक है चलो। वापसी में फिर आप ही आगे बैठेगी, पहले आके बैठ जाते हो बदमाश, ठीक है वापसी में आप ही आगे बैठेगी। चलो सलामकुम, ठीक है जी, आगे मीनाबाजी से जहाँ पर हाजी है या कभी आ रही, तीन सकते हैं, एक दो और ये तीन, चलो अभी आपकी मम्मा के लिए भी लेते हैं, नहीं तो फिर चलो वहाँ पर ये बस का लाइफ लाइन का आ गया, सबका हो गया, मैंने फिर अपने लिए पेंट लिया, बस ये आ गई खत्म। आदी कौन सी वाले पसंद है आपको, आपको भी यही पसंद है, ठीक है आप लानो गुड़िया, लानो नहीं इनको कोई और दिखा दे, ये ना दिखाओ, नहीं तो ये चाहिए, ठीक है नीचे रख दो ना, नीचे रख दो, वो भी है, नहीं नहीं ये लोन, ये अच्छी है, अच्छी है, सीधे खड़े जाना आप, इधर देखो सामने आ जाओ ना, इधर देखो, अच्छी है, ठीक है ठीक है भैया, स्कूल वाले ये चेक कर, आई थिंक ये छोटा होगा, ये छोटा है ना, ठीक है, सॉक्स के साथ सही, बड़ी नहीं है, हैं बड़ी नहीं है,
छोटा ले लें। हाँ इसके बराबर कितना, ये बड़ा लग रहा है। ठीक है क्या करवा रहे हैं, खर्च आए है, नए शूज आ गए, क्या बात है, अब तो नए कपड़े। इसको देखो, आपने देखा, आप पीछे बैठोगे आते हुए, चलाकी कर रहे हो, चलाक ब्रो, यू वेरी चलाक ब्रो, चलो पीछे, चलो पीछे हो जाओ, वेरी चलाक ब्रो, पीछे हो जाओ। ये देखो आए हाय नए शूज, सही है सही है। यहाँ पर ये भी ले लें, क्यों लिए किस लिए वो फिर बात समझते हैं, एक बुके भी ले ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रेड मौसम सिर्फ रेड का चल रहा है, सिर्फ रेड ही पॉसिबल है मिलना, और नहीं। हादी बोल रहा क्यों लिया, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं अपने लिए लिया है, अपने लिए कुछ ना लूँ, मैं अपने लिए कुछ ना लूँ, क्यों भाई, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए हैं। तो चल ये भी आ गए घर, अभी दिखाता हूँ इनको खुश करते हैं, अभी हम इनको खुश करते हैं, ये हमें पहन के दिखाओ आप, ये लो चेक करो, खोलो, हाँ जी खोलो। तो घर आने के बाद सिचुएशन कुछ यूं हुई है कि लाइफलाइन की तबीयत फिर से, जैसे मैंने कहा कि एकदम अपर एकदम डाउन, तबीयत ख़राब हो गई है, तो अभी फिर से ले जाते हैं इमरजेंसी में और देखते हैं क्या सीन है। चलो आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो जी, ये सब आ गए, तो ये सब आ गए, अभी हम जा रहे हैं दावत पर, वही सिस्टर जवाहिर व्लॉग्स खुला हुआ है, खुला हुआ बैक साइड पर जवाहिर व्लॉग सिस्टर, तो क्योंकि उस टाइम बच्चे भी नहीं थे, हमें भी लेट हो गए थे, तो आज भी उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन फिर जो है ना अचानक से फिर बच्चों की तबीयत जो है ना ख़राब हो गई, तो इस वजह से फिर थोड़ा लेट हो गए हम, अभी चलते हैं उधर, चलो यम पम लश पश, यम पम लश पश, यम पम लश पश, ये यम पम लश पश, तो ये भी आ गया, तो पूरी गैंग ही गैंग है, पूरी गैंग है, हां जी आज पूरी लंच लगी। ओह ये आ गया फूल वाले भैया, आ गए फूल वाले भैया, आ गए क्लैश क्लैश, हां जी यम पर लश पश, यम पम पर बैठे हुए हैं, यम पम लश पश, यस कैसे यम पम लश पश है, ऐसे बताओ यम पम लश पश। अच्छा चलो चलो आ जाओ, जाओ यार बुलाओ उनको, इतनी देर हो गई है। चलो जी अभी हम पहुंच चुके हैं जहां आना था, चलो चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा, सेम वही बैकग्राउंड, अभी यहां पर बैठते हैं और दस्तरखान पहले से लगा हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और वैसे भूख भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई है, तो अभी बैठते हैं सबसे पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इतनी चीज़ें हैं मेरे सामने कि मैं कहूँ मैं क्या बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ले गिनने में नहीं आ रहा, तो खैर इसलिए पहले बैठते हैं, वो अभी और आइटम भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो खैर बैठते हैं खापा करते हैं, और बाकी जो जो आइटम वो चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह ये दिखाएंगे आपको अपने ब्लॉग में, फिर मैं नीचे कमेंट में भी पिन कर दूंगा इनका जो ब्लॉग होगा उसका लिंक, और ज़रूर उनको सपोर्ट करना है क्योंकि इनको यस भाई की आर्मी जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से खाना पीना सब हो गया डन, माशाल्लाह से बहुत बहुत ही दिल के अच्छे, माशाल्लाह से उन्होंने हमें बहुत ही इज्जत बहुत रिस्पेक्ट बहुत ही प्यार दिया, थैंक यू सो मच इनका, और आपने इनके चैनल पर लाजम विजिट करना है। फिलहाल चलते हैं घर, क्योंकि अभी जो है ना फिर हमारी लाइफ फ्रेंड की तबीयत डन है, मैं इसलिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, फिर इसलिए इंसिस्ट कर रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाते हैं कुछ देर के लिए, तो अभी इसलिए घर जाना है, क्योंकि फिर अभी बस निकलते हैं घर, सामान वगैरह उठाते हैं बाजी घर से, सीधा घर पहुँचते हैं और अगली कहानी फिर बाद में, तो चले फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पार्सल, और ये हमें पार्सल रिसीव हुआ, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट हमें कहाँ से आया है, ये जो गिफ्ट हमें आया है ना ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, वो कौन हमें गिफ्ट भेजेगा यार, हम गरीब बंदों को, खैर ये गिफ्ट जो है ना ये हमें आया है अहमद भाई की तरफ से, और अहमद भाई की तरफ से हमें गिफ्ट क्या आया है आप भी सोच रहे हैं, मुझे पता है क्या गिफ्ट आया, लेकिन आपने देखा होगा तो मैं चलो आपको बता देता हूँ कि अहमद भाई ने क्या भेजा, अगर मैं इस चीज़ का मतलब मैं यूज़ टू हूँ तो इसलिए अहमद भाई ने भेजा, तो हाँ लेकिन बड़े काम की चीज़ें मज़ेदार है, तो हमें जो भेजा अहमद भाई ने वो भेजे ये मास्क, ये देखें उन्हों के मास्क हैं ये, ठीक है इसमें 1 में 10 पीस होते हैं, ठीक है मैं हमारे से यूज़ भी किए, ये देखें मतलब 1 में 10 पीस हैं और तकरीबन इसमें 10 पैकेट हैं, और इसकी जो ख़ास बात है ना क्वालिटी, ये देखें ये चीज़ है ना बिल्कुल कपड़े वाली नरम नरम फॉर्म वाली, ये जो है ना आपके जो कान होते हैं ना उनको ये चीज़ खाती नहीं है। खैर थैंक यू सो मच अहमद, लव यू मेरी जान, मेरी जान के टोटे, थैंक यू सो मच,
यूँ ही प्यार बरसाने के लिए, ये सब करने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, जल्दी जल्दी तेरा भाई 50 करेगा और तो पाकिस्तान आएगा। क्योंकि मेरी और अहमद मुझे हमेशा कहता है कि भाई फिर तू जिस दिन 50 के करेगा मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर। तो मैं भी कोशिश में लगा हूँ जल्दी मेरे 50 के हो जाए ताकि तू पाकिस्तान और दोनों भाई मिलकर फुल इन्जॉय करें, घूमें फिरें। क्योंकि अहमद ने कभी पाकिस्तान को एक्सप्लोर नहीं किया, तो भाई तुझे इंशाल्लाह एक्सप्लोर करवाएगा नारान कागान इधर उधर ज़रूर। तो हाँ इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं हम भी, और आप भी बस दुआएं करते रहो कि जल्दी हमारे 50 के हों। हमें तो वैसे मिलियन तक जाना है, लेकिन 50 के हों ताकि हम अहमद से मिलें। तो चलें फिलहाल ये करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना तैयारी फ्यारी करते हैं, फिर घर निकलते हैं। ना दस दस पीस हैं। तो खैर ये तो एक मैंने खोला हुआ है, एक पीस इसमें से जो है ना सही है, एक पीस बाजी को देते हैं 10 पीस, वो भी कभी कभी यूज़ करती हैं तो सही है। चलो उनको दे के आते हैं। ये लो। क्या है का मतलब ये लो? दे रहा हूँ आपको मास्क है। तो क्या? कुछ ये देखे ये जो है ना दिखा के दे रहा हूँ। हाँ दिखा के दे रहा हूँ। तो मैंने तुमसे सूट मांगा था, बस सूट। हाँ मुझे ये कह रही है कि आप जो है ना मुझे सूट दें सब, आज भाई इतना कुछ कर रहे हो। मैंने कहा दूंगा आपका सूट, ये नहीं है कि नहीं देना है, मैंने आपको सूट देना है, मेरे इसमें है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। जब मेरा दिल कर रहा है आज से मास्क, ये लो मास्क। पता नहीं मैंने क्यों मांगा, कसम से मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों मांगा। ये मास्क है, ये लो। सोच के ना मुझे है क्यों के क्यों के तुम लुंधी हो इसलिए मांग रहे हो। चलो 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 ले देता हूँ, चल चल। मैंने कहा जब मेरे घर आओगी ना, अब जैसे घर से खाली हाथ तो नहीं पैसे देते, तब मैं ले दूंगा। अब इसको ले दूं, तो फिर घर फिर ले दूं। बहन दो जोड़े में भारी है तुम्हें, एक कप ले। अरे नहीं भारी, इतने मास्क हैं वो तुम वैसे तो भारी हो, अलग बात है। बहुत सारे। चल चल ले जाता हूँ, चलो चलो ले जाता हूँ फिर। यही गई फिर जोड़े नहीं दिए, अब मैं तुम्हें ले दूँ ठीक है, आमिर भाई को नहीं ले दूँ फिर बुरी बात है। नहीं फिर अब वही बात है, बड़ी बहन को देना आपको देना, तो इसलिए सबर कर लो अभी, मैं जरा इसलिए कह रहा हूँ हम उसका वो कर लूँ, और नेक्स्ट पेमेंट पे इंशाल्लाह फिर आप लोगों को दिलाऊंगा। अभी मुझे घर लेना रोक करना, तो नेक्स्ट पेमेंट पे इंशाल्लाह आपका डन है, बेशक होगा। लेकिन मैंने सोचा नेक्स्ट पेमेंट में मैंने आपका रखा हुआ इंशाल्लाह, एक सूट आपका। हाँ इस पेमेंट पे मैंने अपने बच्चों के लिए, अब मैं बंद कर दिया कैमरा, मुझे पता है ना बड़ी चालाक है, लेकिन मेरे पास बन रहा है, अपना कैमरा भी बंद कर दिया। तो इस पेमेंट पे देखो मैंने अपने लिए सिर्फ खाली एक ही पैंट ली है बस, पता है वो भी क्यों ली है? मैं ये वाली पैंट ना, ये है कार्गो पैंट, मैंने तकरीबन 6-4 महीनों के मैं ऑनलाइन देखता हूँ, मुझे बड़ी पसंद दिल को लगी, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। वहाँ पर है तकरीबन कोई 3,000 के करीब है, ये मुझे 1,000 रुपये में दिखी, मैंने कहा चलो यार ले लेता हूँ, लेकिन चीज़ वो नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को तसल्ली दे दी कि तूने कुछ लिया है अपने लिए ठीक है। बाकी मैंने बच्चों के लिए लिया और उनके लिए लिया है, अपने लिए तो मैंने कुछ खास लिया नहीं। हाँ ये देख रहे हो, ये दरअसल वो लंडे वाली सस्ते वाली मतलब दुबई वाला माल। हाँ तो खैर नेक्स्ट पेमेंट आपको, इस पेमेंट पे मैंने बच्चों को ले दिया, इनको ले दिया और अबू के लिए एक सूट लिया, बाकी अपने लिए जो है ना मैं फिर नेक्स्ट पेमेंट पे इंशाल्लाह फिर आप तीनों को इंशाल्लाह सही है। चलो नेक्स्ट पेमेंट पे फिर वो जो है ना फिर और ज़्यादा खर्चा है ना, आपको पता है शादी आ रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ भी कुछ देना होगा, तो इसलिए फिलहाल फिर इसमें मैंने कुछ कम किया। अगली पेमेंट बैड लक कब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, पता नहीं आखिर छोड़ेगा, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, मेरा फल पता नहीं कितना मीठा होगा। मुझे तो यही लगता है कभी इतनी ज़्यादा खुशी मिलने से कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए अचानक से, इतना कुछ देख के सब कुछ मेरे साथ जब सीधा सीधा होने लग जाए। अभी जो है ना उसको मैं एडवांस सब कुछ दे के आया था इस बार कि भाई बस घर पर पैसे आ गए, घर पक्का है
पाँच तारीख को सब डन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी जो ना कॉल आई उमर भाई की, तकरीबन शाम उमर भाई से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि जो घर में बैठे हुए थे ना फैमिली, तो उनका शायद अपना घर बन रहा है या क्या सीन है, तो वो कह रहे हैं हमें एक महीना और बैठना है। तो वो जो बंदा है जो डीलर है वो कह रहा है प्लीज़ आप समझें, एक महीना उनको बैठने दें, आप सब्र कर लें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं करूँ तो करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इनको अकेला भी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि एकदम से इतना कुछ हो जाता है कि अचानक से उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो मैं अगर डिले भी करूँ कि चलो यार एक महीना और ये बच्चे यहाँ पर रह लें और मैं चला जाऊँ, तो ये भी पॉसिबल अभी नहीं है। ये भी नहीं है कि मैं एक महीना यहाँ पर बैठा रहूँ, ये भी नहीं हो सकता। और वहाँ से मैंने गाड़ी की भी बात कर ली, वो भी बुक करा ली है, तो अगर मैं वहाँ भी नहीं जाता तो गाड़ी वाले भी कह रहे हैं, उन्होंने उनका तो रूल है कि आपका एडवांस ख़त्म है। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी, अब पता नहीं, इसी में शायद अल्लाह की रज़ा हो। अल्लाह, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह इन सो जिन के शर और हसद से महफूज फरमाए, क्योंकि हम मेरे मुझसे हसद करने वाले, ये बहुत लोग इस राह तक करें, रास्ता देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बस मेरा जो घर है ना वो ख़राब हो जाए, क्योंकि किसी घर में सुकून नहीं है तो वो नहीं चाहती थी मेरे घर में सुकून हो, मुझे खुश देते। बस वो ये ना कि यार जो घर हमारे बजट में होता है वो होता नहीं है। अब जो पहले था वो उस टाइम पैसे नहीं थे, वो चला गया, अब ये मुश्किल से ढूंढा, ठीक है अपना बजट ऊपर किया थोड़ा सा, चलो यार देखी जाएगी, कर लेंगे अल्लाह मालिक है, तो अब ये हाथ से निकल रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। फिर लोग कहते हैं कि यार मायूस नहीं होता हूँ, मुझे पता है मेरा बैड लक कि मेरे साथ क्या क्या होता है, तो क्योंकि मुझे जो है ना खुशी जो है ना ऐसे नहीं मिलती है। मुझे याद है मैं ना बहुत खुश था कि यार मैं ना मेरे बहुत खुश था, मेरी पहली बेटी हो रही है, मुझे बेटी चाहिए, बेटी हो रही है, बेटी हो रही है। लेकिन जब मेरी बेटी हुई ना तो मैं चार पाई पे पड़ा हुआ था, बेबस लाचार, मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और ये अपनी मम्मी के घर चली गई थी। बस मैंने फिर वहाँ पर फ़ोटो देखी और मैं रोता रहा, मैं नहीं उठा सका अपनी बेटी को, मेरी क्या ख्वाहिश आती, मैं जाऊँगा पैदा होगी उसको, दौड़ रहूँगा, ये कर रहूँगा, वो कर रहूँगा, फूल बलून पता नहीं क्या क्या करूँगा। लेकिन जब वो हुई तो बस मैं वे बस मजबूर अपनी लाचारी पे बैठा हुआ रो रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। खैर अल्लाह की मर्ज़ी, वो कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है या देर नहीं है, लेकिन अल्लाह मालिक है, पता नहीं इतनी ज़्यादा देर हो रही है तो शायद उजाला भी उतना ही ज़्यादा हो। बस आप सब भी दुआएं दें, मेरा कोई मोटी तो कुछ आप सब भी दें, इजाज़त भाई को इंशाल्लाह बस भाई आपसे मिलेगा कल, और क्या पता नहीं क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कितना ही खुश था ना सुबह के बच्चों के लिए कपड़े ले रहा हूँ, लाइफ लाइन के लिए कपड़े लिए, नए घर में जाएंगे, नए कपड़े हों, ये होंगे, इनको अच्छा लाइफ स्टाइल दूँगा, ये दूँगा इंशाल्लाह, वो तो दूँगा मैं इंशाल्लाह, बस आप सब दुआएं करें कि सब अच्छा हो, देखते अब नेक्स्ट क्या होता है, कोई आइडिया नहीं है।